मैं वर्षा पुणे से, मेरा सवाल है कि मैं मेरे छोटे से बालकनी गार्डन में प्लांट्स में सब चीज़ टाइम से देती हूँ, फिर भी ग्रोथ स्लो होती है। प्लीज़ बताएं क्या करूँ मैं। वर्षा, देखो स्लो और फास्ट माने क्या? पौधा बच्चे की तरह है, वो हमारे चाहने से स्लो ग्रो नहीं करेगा और हमारे चाहने से फास्ट भी ग्रो नहीं करेगा। उसका जो लाइफ साइकिल है वो वही लाइफ साइकिल देगा। अगर आपने सभी चीज़ें सही समय पे करी हैं, सो एक चीज़ आप उसको दे और एक चीज़ आप अपने आप में ले। एक चीज़ आप उसको दे, वो है आपका विश्वास, आपकी इमोशनल कंडीशन आपके गार्डन को बहुत अफेक्ट करती है। आप कई रिसर्च पेपर्स और रिसर्च वीडियोस देख सकते हैं कि आप अपने गार्डन में गार्डन के साथ किस तरह से इंटरैक्शन रखते हैं, वही इंटरैक्शन गार्डन आपके साथ रखता है। अगर आप पौधे को सब सही, आपने क्या किया, बच्चे को टाइम पे गुट्टी पिलाई, टाइम पे टॉनिक दिया, टाइम पे वैक्सीन दिया, उसके बाद में क्या, आपने एक विश्वास रखा कि बच्चा ठीक बढ़ रहा है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किंतु आपने विश्वास रखा कि बच्चा सही बढ़ रहा है। अगर आपके सारा काम करने पे उस पौधे के लिए आप जो पेरेंटिंग कर रही है उस पे अगर आपको विश्वास है, तो एक चीज़ पौधे को दे, वो है आपका विश्वास। कहे कि मैंने अपना सारा कुछ कर दिया है, अभी तुम्हारा ये ड्यूटी, जिम्मेदारी और रोल है कि तुम सेहतपूर्ण बढ़ो और मुझे दे दो। वो अपने आप देगा अगर सही लाइट आता है, सही डायरेक्शन आपने सही जगह पर रखा है। 1 साल से, 52 एपिसोड से मैं आप लोगों से क्या बात कर रही हूँ, बिना आपको डराए मैं आपको आपके गार्डन के सक्सेस के मूल 3-4 मंत्र मैंने बताए हैं। उन 3-4 मंत्रों में सनलाइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सनलाइट किसी को कम चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए मैंने आपको कहा कि डायरेक्शन समझे। फिर मैंने आपको कहा कि विंटर प्लांट्स क्या है और समर प्लांट्स कहाँ क्या है, किसको डे लाइट ज़्यादा चाहिए, किसको डे लाइट कम चाहिए, ये सारा बिना इतना टेक्निकल बनाए मैंने आपको यही सारा 52 एपिसोड्स में बताया है। अब मेरे पास और बहुत कोई नया टॉपिक नहीं है। 3 सीजन पूरे नॉन स्टॉप, हर हफ्ते का ग्रोथ, हर पौधे का ग्रोथ, कॉम्पोस्टिंग और बीजों से लेके दोबारा कॉम्पोस्टिंग और बीज तक मैं आपका हाथ पकड़ कर लेकर आई हूँ। फिर भी कोई आपको आशंकाएं हैं, सो रिविजिट कीजिएगा उन वीडियोस को। इसी सीजन में पिछले साल मैंने कौन कौन से वीडियोस डाले थे, वो वीडियोस एक बार दोबारा देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा विक्रम और बेताल, पता नहीं कब से पढ़ने शुरू किए थे, कक्षा 5-6 में, आज इस उम्र में, 54 साल की उम्र में मैं विक्रम बेताल फिर से पढ़ रही हूँ और मुझे हरदम उसमें कोई एक नया पॉइंट मिल रहा है। इसी तरह से रिविजिट कीजिएगा। सो जो आप अपने पौधे को दोगे वो है विश्वास, और जो आप अपने आप में लोगे वो है पेशेंस। यही दो चीज़ें आपके बच्चे को बढ़ाने, बड़ा करने के लिए भी चाहिए होती है, और यही दो चीज़ें आपके पौधे को भी, क्योंकि पौधा आपका बच्चा है।